जो सिद्धि है वही कामयाब है। उन्होंने सूरत नहीं मेरी सीरत को अपना बनाया है, मेरी खूबियों से ज्यादा मेरी कमियों को अपना बनाया है। यूं तो तारे बहुत हैं आसमान में, मगर शुक्रिया उस रब का जिसने मेरी रातों का चांद उन्हें बनाया है। दोस्तों कितनी सुंदर लाइंस हैं, सुन के ऐसा लगता है कि इस दुनिया में आज भी असली प्यार है, आज भी लोग जो एक दूसरे से प्यार करते हैं वो साथ साथ रहेंगे जिंदगी भर। हम ऐसे ही सोच के शादी करते हैं, मगर कई ऐसी चीज़ें हैं जो हमें शादी के बाद पता लगती है अपने पार्टनर की, उसके कुछ व्यवहार, उसकी कुछ हरकतें, उसकी कुछ ऐसी चीज़ें जो हमें इफ़ेक्ट करती है कई सालों तक। इसी के बारे में आज बात करूंगा। दोस्तों हम में से ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो शादी तो कर लेते हैं मगर शादी के बाद अनलॉक करते हैं ऐसी चीज़ें जो हमें कभी पता ही नहीं थी, जिन्हें कभी हमने एनकाउंटर करा ही नहीं, जिन्हें हमें कभी जिनके बारे में सोचने की हमारे दिमाग में कभी चली ही नहीं बात। यही मैं बताऊंगा, साथ ही आपको स्त्रियों के रहस्य बताऊंगा तीन जो आपको शादी करने से पहले जरूर जान लेने चाहिए। दोस्तों इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि वीडियो की भावनाओं में आप लाइक करना फिर भूल जाएंगे। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको स्टोरी सुनाऊंगा राहुल की। राहुल ने एक लड़की से बहुत ज्यादा प्यार करा, बहुत ज्यादा अच्छे अच्छे तरीके से उससे शादी की बात करी और उनकी बहुत ही अच्छी सी शादी भी हो गई। शादी के बाद दोनों साथ रहने लगे और जैसे जैसे दिन बीतने लगे, एक दिन उस राहुल की वाइफ ने बोला कि मुझे तुम्हारी मम्मी के साथ नहीं रहना, यानी मेरी अपनी सास के साथ मुझे नहीं रहना, वो बहुत ज़्यादा इंटरफेयरिंग है, बहुत ज़्यादा बातें करती हैं, मुझे नहीं पसंद, हम कोई अलग घर लेके रहते हैं। राहुल थोड़ा अपसेट हुआ वाइफ की बात सुन के, उसको लगा यार कैसे करूँ क्या करूँ मेरे को समझ नहीं आ रहा, बट फिर भी उसने अपनी वाइफ का दिल रखने के लिए अपनी मम्मी को छोड़ दिया, अपनी मम्मी से अलग घर लेके रहने लगा। उसकी मम्मी ने कहा कोई नहीं बेटा, अगर आप खुश ऐसी खुशी महसूस करते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, अलग रह लो, कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों राहुल की वाइफ बहुत खूबसूरत थी और उसे पता था कि उसका पति उसकी बात कभी भी नहीं मानेगा, कभी भी टालेगा नहीं, क्योंकि उसे पता था कि वो इतनी खूबसूरत है उसको कोई और लड़की नहीं मिलेगी, इसलिए वो राहुल से सारे काम करवाती थी और राहुल को उसने बोला कि हमें अलग रहना है। राहुल उसकी बात मान गया और कुछ दिनों बाद राहुल उसके साथ खुशी खुशी दिन जिंदगी बिताने लगा, मगर जैसे तैसे दिन बीतने लगे वैसे वैसे वो राहुल को कई सारी चीज़ें बोलने लगी, कभी कहती कि तुम मुझे ये दिलाओ, कभी कहती तुम मुझे यहाँ लेके चलो, और राहुल कुछ कुछ चीज़ें उसकी पूरी नहीं कर पाया। कुछ दिनों बाद राहुल की वाइफ की मम्मी यानी राहुल की सास उसी घर में आके रहने लगी। राहुल बहुत परेशान हो गया क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इंटरफेयरिंग थी, वो हर बात पे राहुल को बोलती थी कि तुम क्यों नहीं इसको दिलाते, क्यों नहीं इसको शॉपिंग कराते, क्यों नहीं इसके लिए खर्चा कराते, और राहुल करता था फिर भी वो राहुल को बार बार बोलती थी। राहुल जब जब मूवी दिखाने लेके जाता तो उसको अपनी सांस को भी लेके जाना पड़ता, वेरैस उसने अपनी माँ को तो कभी लेकर नहीं गया मगर अपनी सांस को लेके जाना पड़ता। और वो तीनों जाते मूवी देखने, 150-150 की टिकट प्लस 250-250 के पॉपकॉर्न और अलग कोल्ड ड्रिंक वगैरह लेते, ना करते भी राहुल का 1200 से 1500 बिल बन जाता हर बारी, हर हफ्ते का फिक्स। राहुल एक लिमिटेड सैलरी पा रहा था, उसको पता था कि उसके खर्चे बहुत ज़्यादा हो रहे हैं और ऊपर से सांस आधम की है और बहुत ज़्यादा खर्चे बढ़ रहे हैं उसके। राहुल बहुत परेशान रहने लगा, क्या करे कैसे करे, ऊपर से राहुल की वाइफ राहुल को हर बात पे उलाने देती थी, साथ ही अपने कर्तव्यों का भी पालन नहीं करती थी। राहुल उसे कभी कभी कहता था कि मेरे लिए लंच बॉक्स पैक कर दो, तो वो कहती थी मैं भी बिजी हूँ, मैं भी मेकअप कर रही हूँ, मैं ये मैं वो, मगर वो राहुल को कभी भी उस अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करती थी। खाना बनाने के अलावा भी राहुल ने उसे बोला था कि तुम थोड़ा सा घर को साफ सुथरा रख लिया करो, मगर वो भी राहुल आके ऑफिस से काम करता था तभी घर साफ रहता था। इनफैक्ट वो अपनी सांस का भी काम करता था, सांस के कपड़े जाकर धोबन को देकर आना या फिर कभी कभार बर्तन मांज देना, इस किस्म के भी राहुल ने बहुत काम करे। राहुल को बहुत टेंशन रहने लगी। एक दिन राहुल ने ये सारी बातें अपनी मम्मी से करी। राहुल की मम्मी ने राहुल को कुछ बातें समझाई, कुछ बातें सिखाई और उसे बोला कि तो कुछ टाइम बाद वापस आ जाइयो और या फिर मैं वहाँ आ जाऊँगी। और राहुल की मम्मी ने राहुल को कुछ टिप्स दी कि सांस को कैसे भगाएं। जैसे तैसे दिन बीतने लगे, राहुल ने एक दिन अपने दोस्त को फ़ोन करा और तेज़ तेज़ बात करने लगा और बोलने लगा
इस दुनिया में जो सांस अपनी 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 बेटी के घर आके बैठे वो बहुत निकम्मी है। बहुत तेज़ तेज़ वो बोलने लगा, ऐसी बातें उलाने देने लगा अपनी सांस को ही। और ये सारी बातें उसकी सांस ने सुनी, और वो उसका मकसद भी सांस को सुनाना था। सांस ने सुनी भी और सांस को बहुत बुरा भी लगा, और धीरे धीरे करके सांस को लगने लगा कि वो गलत जगह आके आधम की है। एक दिन राहुल की वाइफ ने राहुल को बोला कि तुम क्यों ऐसे तेज तेज फोन पे अपने दोस्त को समझा रहे हो। तो राहुल बोला, मैं अपने दोस्त को समझा रहा हूँ, इसमें भी तुम्हें दिक्कत है? तुम्हें हर चीज़ में दिक्कत है भाई, ये क्या बात हुई? मैं अपनी अपने दोस्त को सलाह भी नहीं दे सकता इस घर में, मेरी इतनी भी हैसियत नहीं है। तो राहुल की वाइफ ने कहा, ठीक है तुम दे लेना, कोई दिक्कत नहीं। राहुल रोज़ रोज़ अपने दोस्त को समझाने लगा, अरे निकम्मी सांस, निठल्लू सांस, अरे भिखारी है वो तो, भिखारन है तेरी सांस अगर तेरे घर पे आके बैठती है तो। मतलब इनडायरेक्टली राहुल अपने दोस्त से बात करके सिर्फ अपनी सांस को लाने दे रहा था। एक दिन एक पार्टी हुई, राहुल ने अपनी सांस के दोस्तों को उनके मुंह पे बोला कि वो सांस तो बड़ी बेवकूफ़ होती है या फिर बड़ी भिखारन होती है जो आके अपनी बेटी के घर पे आके बैठ जाती है। ऐसी लड़कियों, ऐसी औरतों को तो आना ही नहीं चाहिए। ऐसी औरतें, कितनी बेकार बात है कि अपनी बेटी के घर इतने महीनों महीनों, छः छः महीने बैठी रहती है और फिर उन्हीं से काम करवाती अपने दामाद से। मगर मेरी सांस बहुत अच्छी है, मेरी सांस मेरे घर में अभी कुछ दिन के लिए बैठी है, वो भी ओनली बिकॉज क्योंकि मेरी वाइफ की थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है। मतलब एक तरीके से उसने झूठ बोला और सांस को इनडायरेक्टली लगने लगा कि भाई अगर अब मैं नहीं रुकी, इस घर में रुक गई तो ये तो मेरी दोस्तों को भी बता देगा, सारे समाज में बता देगा। और राहुल की मम्मी की ट्रिक काम कर गई, सांस दम दबा के भाग गई। दोस्तों जो राहुल की वाइफ ने जो डिमांड्स करती थी, जो उसे बार बार बातें बोलती थी कि तुम मुझे ये दिलाओ, वो भी सुधर गई। उसे भी लगने लगा कि यार अब मुझे इस बंदे, ये बंदा थोड़ा टेढ़ा होता जा रहा है, इस बंदे से अगर ज़िंदगी में कुछ करवाना है या इसके साथ रहना है तो थोड़ा सा सुधर के चलना पड़ेगा। दोस्तों मम्मी की ट्रिक काम कर गई, राहुल दोबारा अपनी मम्मी के साथ शिफ्ट हो गया। और यकीन मानिए राहुल की वाइफ को कभी भी उसकी मम्मी नहीं कट की आंखों में। क्यों? क्योंकि इसकी मम्मी ने उसको इस तरीके से समझाया बुझाया राहुल को कि उसको समझ आ गया कि ज़िंदगी को कैसे जिए। दोस्तों यहीं से स्टार्ट होती है हमारे आचार्य चाणक्य की चाणक्य नीति। दोस्तों चाणक्य जी कहते हैं कि कभी भी खूबसूरत लड़की को देख के शादी ना करें। अगर आपने खूबसूरती देख के शादी करी तो हो सकता है कि आपको आगे जाके पश्चाताप भुगतना पड़े। दोस्तों कहते हैं ना, मोहब्बत सूरत नहीं सीरत देख कर करो। सूरत तो वफाएं में बदलने वाली है, पर सीरत मरने के बाद भी जिंदा रहने वाली है। दोस्तों यही जिंदगी का सार है। हो सकता है आप किसी की खूबसूरती देख के शादी कर लें आज, मगर यकीन मानिए वो खूबसूरती ज़्यादा दिन तक नहीं टिकेगी। दोस्तों दूसरी चीज़ औरतों के बारे में जो हमें जानना चाहिए शादी से पहले, वो रहस्य है संस्कार। दोस्तों निश्चित तौर पर जो माता पिता अपनी बेटी को संस्कार देंगे, वही संस्कार बेटी में आएंगे। आपको संस्कार देखने हैं, क्या वो किसी को थैंक्स बोलती है, क्या वो किसी को ग्रैटिट्यूड देती है, क्या वो किसी के साथ किसी को आभार प्रकट करती है। ऐसी लड़की से ही शादी करिए। दोस्तों दुनिया में बहुत सारी अच्छी लड़कियां हैं, मगर यकीन मानिए बहुत सारी ख़राब भी हैं जो आपकी लाइफ को तबाह कर सकती हैं, जो आपकी लाइफ को ख़राब कर सकती हैं। इसलिए संस्कार एक ऐसी चीज़ है जो कभी खरीदे नहीं जा सकते, ना बेचे जा सकते हैं, ना कहीं पे किसी से मोल से लिए जा सकते हैं, ना कभी किसी को दिए जा सकते हैं। ये तो एक ऐसी चीज़ है जो अंदर से आती है और सालों के मेहनत से आती है। अगर किसी औरत के अंदर संस्कार नहीं है तो उससे शादी कभी मत करिए, वो संस्कारहीन औरत आपकी ज़िंदगी को बर्बाद कर देगी। दोस्तों तीसरी चीज़ है जो बहुत ही मेन चीज़ है, ऐसी स्त्री जिसको महंगी चीज़ों का शौक़ हो, महंगे पर्स, महंगे बैग, महंगे कपड़े, जिसके लिए आपकी जेब 2 मिनट में ढीली हो जाए, ऐसी स्त्रियों से कभी शादी मत करिए। आप जितना कमाते हैं उसी हिसाब से उसी लड़की से शादी करिए। कभी भी आपको लाइफ में दिक्कत नहीं आएगी। देखिए दोस्तों, अगर आपने कामयाबी पा ली, आपके खर्चे बढ़ गए, आपने पैसा कमा लिया, तो आप दबा के खर्चा करिए, महंगी महंगी जगह जाइए, एम्स्टरडेम जाइए, पेरिस जाइए, लंदन जाइए, कहीं भी जाइए आपके पास पैसा है तो। मगर अगर आपके पास पैसा नहीं है, कभी कभार किस्मत नहीं काम करती सही तरीके से, कभी कभार पैसा नहीं आता, कई बारी सालों तक मेहनत करने के बाद भी सक्सेस नहीं मिलती, हो जाता है ऐसा बहुत से लोगों के साथ। ऐसे मोड़ पर अगर आपकी वाइफ आपको महंगे महंगे सामान या हर पल आपकी ज़िंदगी में चिल्लम चिल्ली करेगी तो उसका कोई फ़ायदा नहीं, उसकी खूबसूरती का कोई फ़ायदा नहीं, जब आपकी लाइफ के अंदर जो नर्क बना दे।
तो कहने का मतलब यह है कि जिस औरत के अंदर संस्कार ना हो, या फिर जो आपको महंगी महंगी चीज़ों के बारे में बोले, या फिर जो बहुत खूबसूरती की अपनी घमंड करती हो, ऐसी स्त्री से कभी भी शादी ना करें। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, इसको लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।